9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए शौकत साहब हैं। शौकत भाई, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लगातार आप पूरे प्रदेश में गए हैं, जिन सीटों पे उपचुनाव हुए, क्या कुछ रणनीति रही आपकी पार्टी की जीतने की? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे बाय इलेक्शन हो रहा है, 3 सीटों पर हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। गाजियाबाद से रवि गौतम जी हैं, यहाँ से हाफिज वारिस साहब है, मीरापुर से अरशद राणा साहब है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 सीट पर हमारी फाइट सीधे बीजेपी से है। रणनीति की बात अगर हम करें तो हमने कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया था कि हम बड़ी से बड़ी जनसभाएं कम से कम करें। आपने देखा होगा कि कुंदरकी में हमारी एक भी बड़ी जनसभा नहीं, आखिर दिन था तो ये हमारा मरकजी जलसा हम लोग इसको बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, बैरिस्टर साहब नहीं भी आए फिर भी जनता लगी रही लास्ट तक हमारी प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने सीधे वोटर से हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश किए और डोर टू डोर हम जितना मुलाकात लोगों से कर सकते थे हमने किया। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं आपने देखा हो कि मैंने खुद जा करके लगभग नाना करके तो 40 से 45 गांव में मैं खुद गया। हर जहां पे आप गए वहां लोगों को भड़काने का भी काम करा, कई वीडियो ऐसी आई। नहीं, मैं लोगों को भड़काने नहीं, लोगों को बताने का काम करता हूं कि तुम्हारे वोट को बेवा की माल की तरह इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने लूटा है। बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखा करके उनके वोट को लूटती है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को हिंदुओं का खौफ दिखा करके लूटती है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने इनको बताया कि तुम्हारे साथ जो नाइंसाफियां हुई है, इस नाइंसाफी का खात्मा तुमको खुद करना पड़ेगा। जिस तरीके से काशीराम ने अपने समाज को जागरूक किया, उनका समाज इकट्ठा हुआ 11% जाटों समाज उत्तर प्रदेश में, उसके पहले उसके साथ भी नाइंसाफी होती थी। उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, हत्ता कि उनकी बच्चियों का रेप हो जाता था, उनकी FIR दर्ज नहीं होती थी। आज वही हालात मुसलमानों के हैं। तो जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है उसको सियासत कहते हैं। और हर समाज का अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा उस समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आज हमारा समाज है, मुस्लिम समाज, 4% उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए राजभर समाज है, उनका नेता है, विधायक है, कैबिनेट मिनिस्टर है। 11% देख लीजिए निषाद है, उनका नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो वो समाज महफूज है, उस समाज के साथ इंसाफ हो रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है। लेकिन अगर कोई समाज हर चीजों से महरूम है तो वो मुस्लिम समाज है। तो हमने लोगों को बताया कि आप जीत और हार का फैसला अल्लाह सुब्हान व तआला करता है, लेकिन आप वोट डालिए, अपने आप को मजबूत करिए, 75 साल की गुलामी की जो जंजीर है उसको तोड़िए। आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ बीजेपी को हराना, यकीनन फिरका प्रस्त ताकतों के खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। ब्रिजेश पाठक मुरादाबाद आए थे, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अन्य पार्टियों ने तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करा और निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं, ये बात तो मैं 10 सालों से कह रहा हूँ, ब्रिजेश पाठक आज कह रहे हैं। ब्रिजेश पाठक का चूंकि उनका जो सियासी जन्म हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ है, तो माननीय काशीराम का जो मोमेंट चला था उसमें काशीराम ने भी यही बात कही थी कि जाटों समाज का सिर्फ इस्तेमाल होता है। इनके समाज का MP MLA भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, वहां पर खामोश रहता, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से जीत करके जाता है, पार्टी की गाइडलाइन से हट करके नहीं बोल सकता। तो यकीनन जो बात ब्रिजेश पाठक ने कही है वो सत्य पर आधारित है, लेकिन ब्रिजेश पाठक को ये बात भी बोलनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की बीजेपी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों का डर दिखा करके, बहुसंख्यक समाज को डरा करके उनका वोट लिया है, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। आज अफगानिस्तान की करेंसी हमारे देश से बड़ी हो गई, ये अफसोस की बात है। डॉलर कहाँ है, 84+ हो गया है भाई, तो देश कहाँ जा रहा है? इकोनॉमिक तो बर्बाद हो गई ना देश की, आपने हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया ना। आप वो क्या नाम है, देवालय और शौचालय और ये मंदिर मस्जिद
शमशान, कब्रस्तान, पाकिस्तान, कटुआ, मुल्ला, इससे तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो ना आप। तो जिस देश को खत्म करना है उस देश में धार्मिक उन्माद को फैला दिया जाए, वो देश खत्म हो जाएगा। तो यही काम बीजेपी कर रही है, देश को तोड़ना चाह रही है। कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम तो 3 पे ही लड़ रहे हैं और 2 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबरदस्त फाइट है, बीजेपी से है। और गाजियाबाद में हम उतना मजबूत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे सम्मानजनक स्थिति रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन यहां तो हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से है। समाजवादी दूर दूर तक लड़ाई में नहीं, आप तो देख भी रहे होंगे। रिजवान के खिलाफ एंटी कैंपेंसी बहुत ज्यादा है, आवाम में गुस्सा है उस चीज को लेके। बल्कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट डालने की बात कर रहा था, हमने उनको समझाया, खैर उन्होंने उस चीज को तस्लीम किया। और खौफ की वजह से भी कुछ लोग खामोश है, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सारा वोट इंशाल्लाह MIM को जाएगा। झांसी में एक अस्पताल के अंदर घटना हुई, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत ही वो दर्दनाक घटना है और अफसोस इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन में है और उस घटना में जिसने बच्चों की जान बचाई, 7 बच्चों की, वो भी अब्दुल था, मंसूरी समाज से, मुसलमान था। तो इस समाज को बटने मत दीजिए और इस तरीके की आगे घटनाएं ना हो। आप अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं करिए, कहीं ना कहीं ये ब्रजेश पाठक की जिम्मेदारी है, तो उनको देखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें वो। मैं उनको यही सलाह दूंगा। चंद्रशेखर जी कह गए हैं मुरादाबाद से कि ब्रजेश जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शौकत भाई कह गए। देखिए मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री तो मुझे बनना चाहिए, चंद्रशेखर को शौकत के नाम पर एतराज क्यों है? क्या अब्दुल का काम सिर्फ यही है? भाई आज तुम केतली लेकर के आ गए, तुम्हारी केतली में तो कुछ भी नहीं था, खाली केतली थी, चाय बेच करके मोदी जी ने उसको फेंक दिया था। अब उस केतली में पानी किसने डाला, उस केतली में चाय किसने डाला, उस केतली में शकर किसने डाली, दूध किसने डाला, नगीना में किसने डाला? मुसलमानों ने डाला। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, हम तो उनसे अलायंस भी चाहते थे करने के लिए कि चलो भाई अगर आप दलितों की हित की बात करते हैं, मुसलमानों की हित की बात करते हैं, हम दोनों मिल करके बीजेपी को रोकते हैं। चंद्रशेखर की बस की बात नहीं, अकेले वो बीजेपी को रोक पाएंगे या कुछ कर पाएंगे? इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी विधानसभा के अंदर उपचुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा। आगे अलायंस हो सकता है क्या? देखिए मैं तो ये बात नहीं कह सकता, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्या होता गुंजाइश है। देखिए हमारी तरफ से तो हम तो हमेशा ओपन रहे हैं, समाजवादी हो, BSP हो या चंद्रशेखर तक से, हम तो हमेशा ओपन रहे हैं। हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि तुम हमको इतनी सीटें दे दो, हमने कहा कि जो आपको बेहतर लगे उतनी सीटें हमें दे दो। हम तो सिर्फ कुंदरकी पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, मीरापुर तो हम उनको देने को तैयार थे और ले भी लिए थे। तो हम तो ओपन है, हम तो चाहते हैं फासिस्ट ताकतों का खात्मा हो, उसको रोका जाए, उसके लिए हम कोई भी किसी से भी हम गठबंधन करने को तैयार हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जनसभा में कई सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहना? देखिए कांवड़ यात्रा होती है, आप भी मुरादाबाद के रहने वाले हैं, मुरादाबाद के नेशनल हाईवे को जो लखनऊ से दिल्ली तक जाता है, इस हाईवे को बंद कर दिया जाता है। बरेली के बाद रास्ते एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती, तो समझ में नहीं आता, उन पे फूल बरसाए जाते हैं, पुलिस उनके पैर दबाती है, और वो कितना उत्पात मचाते हैं कांवड़िए, अब वो कौन सा नशा करते हैं, क्यों उत्पात मचाते हैं, कभी उन पर कोई एक्शन नहीं होता, उन पे फूल बरसाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर रोड के किनारे 2 मिनट की नमाज पढ़ता है तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। तो ये देश हमारा भी उतना ही है जितना कांवड़ियों का है, जितना योगी जी का देश है उतना ही देश हमारा भी है। तो ये इस तरीके की जो हरकत है ये सरकार जो कर रही है, यही तो अन्याय है। क्या हम टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को? आपने 1 लीटर तेल डाला, 27 रुपये दे दिया टैक्स, तो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बनी सड़कें हैं, वो किसी के अब्बा की जागीर तो नहीं है या किसी की वालदा दहेज में तो नहीं लेकर के आई थी ना उसको? तो फिर ये दोहरा रवैया क्यों है? जब कानून है तो सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए। मेरी बहन के साथ आप ज्यादती करते हो, ले जा करके जबरन उससे धर्म परिवर्तन कराते हो, आप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वेच्छा से अगर कोई अपने मजहब को तब्दील कर लेता है
तो कलीम सिद्दीकी साहब को उम्र कैद हो जाती है, ये नाइंसाफी नहीं है क्या? मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।